नमस्कार, मैं उप्रिया। आज 11 जून, चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 5700 के पास। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किए गए दूसरे अपडेट तक 243 नए मरीजों की पुष्टि की गई थी, जिसके बाद बिहार में प्रभावितों की कुल संख्या 5698 हो गया है। मामलों में प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 4, अरवल में 7, औरंगाबाद में 7, बांका में 2, भागलपुर में 16, भोजपुर में 19, गया में 5, जमुई में 4, कैमूर में 3, कटिहार में 1, खगड़िया में 1, किशनगंज में 9, मधेपुरा में 8, मधुबनी में 20, मुंगेर में 14, मुजफ्फरपुर में 4, नालंदा में 4, नवादा में 7, पटना में 2, पूर्वी चंपारण में 2, पूर्णिया में 55, रोहतास में 6, सहरसा में 2, समस्तीपुर में 5, सारण में 19, शेखपुरा में 2, शिवहर में 4, सीतामढ़ी में 6, वैशाली में 3 मामले सामने आए हैं। कोविड-19 से ठीक होने वालों की संख्या पहुंची 2934 पर। जहां एक तरफ बिहार में कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इससे ठीक होने वालों की संख्या भी बढ़ गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बीते दिन शाम 4 बजे तक के जारी किए गए अपडेट के अनुसार बिहार में कुल मिलाकर 2934 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं अब तक 5500 से ज्यादा लोग प्रभावित भी पाए गए हैं, जिसकी पुष्टि स्वास्थ्य विभाग द्वारा 109483 सैंपल की जाँच के बाद की गयी है। कृषि मंत्री ने बिहार में किसानों को बीज की कोई कमी नहीं होने की कही बात। कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने किसानों के हित में बीते दिन फैसला सुनाया है, जिसके तहत कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने साफ तौर पर खेती के लिए बीज की कमी नहीं होने का दावा किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने नीतीश सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए बिहार के 50 साल के इतिहास को विकास के मामले में बदल डालने का दावा भी किया है। इसके साथ ही उन्होंने खरीफ फसल के लिए धान, मक्का, ज्वार, बाजरा सहित विभिन्न तरह के बीज को पर्याप्त मात्रा में राज्य के विभिन्न जिलों में भेजे जाने की बात भी कही है। बीते दिन से बिहार में लगना शुरू हुआ स्मार्ट प्रीपेड मीटर। बिहार के पेसू क्षेत्र में रहने वाले बिजली उपभोक्ताओं के घर, कार्यालय और दुकानों में बीते दिन से बिजली विभाग ने पोस्टपेड मीटर को हटाकर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का काम शुरू कर दिया है, क्योंकि इस इलाके के करीब 1100 मीटर का कॉन्टैक्ट बिजली कंपनी मुख्यालय के सर्वर से नहीं हो रहा था, जिससे कि आने वाले समय में यह बिजली उपभोक्ताओं के साथ साथ कंपनी को भी फायदा पहुंचाने वाला है। ज्ञात हो, प्रीपेड मोबाइल के तर्ज पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर से रिचार्ज करना होगा, जिसके बाद ही बिजली का इस्तेमाल किया जा सकेगा। बंद के दौरान बिहार के 18 जिलों में एलपीजी सिलेंडर की खपत बढ़ी। कोविड-19 के कारण बंद के माहौल में सभी लोग घर पर रहने पर मजबूर हो गए थे, और यही कारण है कि परिवार के साथ रहने और खाने पीने की अब लोगों को आदत हो गई है। इसी क्रम में बिहार के 18 जिलों में बंद के दौरान घरेलू गैस सिलेंडर की खपत में बढ़ोतरी देखी गई है। खबरों की माने तो औसत खपत के मुकाबले बंद में 40% अधिक गैस सिलेंडरों की खपत दर्ज की गई है। यह आंकड़ा बेगूसराय समेत बिहार के 18 जिलों का दर्ज किया गया है, क्योंकि बंद के कारण लोगों की आवाजाही बाहर से बिल्कुल ही बंद हो गई थी, और इसीलिए सभी लोग घर पर ही खा पी रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिहार में 13 लाख से ज्यादा स्किल्ड श्रमिकों को दिया जाएगा रोजगार। बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को आदेश जारी करते हुए प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया करवाने की बात कही थी, जिसके बाद हरकत में आई बिहार सरकार ने श्रम विभाग और उद्योग विभाग को प्रवासी मजदूर को रोजगार मुहैया करवाने का निर्देश जारी किया है, जिसके तहत उद्योग विभाग के मंत्री श्याम रजक ने बताया है कि 13,10,000 स्किल्ड श्रमिक मिले हैं। अब इन श्रमिकों को ज्यादा से ज्यादा निर्माण कार्य से जोड़ा जाएगा। इतना ही नहीं, श्रमिकों को नौकरी मुहैया करवाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए श्रमधन पोर्टल भी बनाया गया है। पटना जंक्शन पर अब यात्रियों को मुहैया करवाया जाएगा N95 मास्क और सैनिटाइजर। कोविड-19 के बढ़ते माहौल के बीच रेलवे के परिचालन की अनुमति दे दी गई है, जिसके बाद अब रेलवे स्टेशन पर पटना में N95 मास्क और सैनिटाइजर यात्रियों के लिए मुहैया करवाया जाएगा, जो कि अब सभी यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 1 से आसानी से खरीद सकते हैं। वहीं आपको बता दें, जो मास्क बाजार में 250 से 300 रुपए में दिया जाता है, वही मास्क रेलवे पर काफी कम कीमत में यात्रियों को मुहैया करवाया जाएगा। इतना ही नहीं, सभी यात्री अब 100 से 150 रुपए में सैनिटाइजर भी वहां से खरीद सकते हैं। महाबोधि मंदिर में 79 दिनों बाद भगवान बुद्ध के दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु। कोविड-19 के रोकथाम और बचाव के मद्देनजर पूरे देश में बंद का ऐलान जारी किया गया था। हालांकि अब धीरे धीरे करके बंद में छूट दी जा रही है। वहीं सोमवार से सभी धार्मिक स्थलों को खोलने के बाद 79 दिनों के बाद महाबोधि मंदिर का गर्भगृह श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है, जिसके बाद बीते दिन सुबह 5 बजे से बुद्ध बुद्धम शरणम गच्छामि का मंत्र सुनने में मिला। इतना ही नहीं, आम श्रद्धालुओं का तांता भी बीते दिन से देखने को मिला, जहां पर श्रद्धालुओं ने मंदिर पहुंचकर हाथ जोड़कर भगवान बुद्ध का अभिवादन किया। साथ ही चीवर और फूल चढ़ाकर श्रद्धालुओं ने बुद्ध के चरणों पर मत्था टेकते हुए और आशीर्वाद लेते हुए देखा गया। गंगा पर चार पुल बनाने की शुरू हुई तैयारी। गंगा नदी के ऊपर चार पुल बनाने की तैयारी शुरू हो रही है, जो कि राजधानी पटना से उत्तर बिहार को जोड़ने का काम करेगी। पटना महानगर के आधारभूत ढांचे का विकास करने के लिए पथ निर्माण विभाग ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। पथ निर्माण विभाग के अनुसार इसी महीने पश्चिमी लेन से आवाजाही शुरू हो जाएगी। इसके शुरू होने पर पुलों के मरम्मत का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। चार पुल लेन बनने के लिए सरकार की तरफ से 1900 करोड़ की लागत लगने का अंदाजा लगाया गया है।
केंद्रीय निर्वाचन आयोग की टीम जल्द ही चुनावी माहौल का जायजा लेने पहुंचेगी बिहार। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है, जिसके बाद सभी पार्टियों ने भी अपनी अपनी तरफ से तैयारियों का सिलसिला शुरू कर दिया है। वहीं चुनाव आयोग ने भी चुनाव को लेकर अपनी भूमिका तय करने में जुट गई है। इसी बीच प्रदेश में चुनावी माहौल का जायजा लेने के लिए जल्द ही केंद्रीय निर्वाचन आयोग के 2 उप निर्वाचन आयुक्त बिहार पहुंचने वाले हैं। इसके साथ ही यह दोनों अधिकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक कर चुनाव से संबंधित कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। कोविड-19 के माहौल के बीच इस साल रद्द कर दी गई बिहार की हज यात्रा। बिहार में कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार से हज यात्रा को इस बार कैंसिल कर दिया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप जिन भी लोगों ने इस साल हज यात्रा को लेकर आवेदन किया था उन्हें इसकी जानकारी दे दी गई है। हज कमेटी ने यात्रा के लिए आवेदन करने वालों का पूरा पैसा वापस करने का भी फैसला सुनाया है। हालांकि राज्य ने हज कमेटी के कार्यपालक पदाधिकारी राशिद हुसैन ने बताया है कि पिछले 3 महीने में बंद के कारण यात्रा पर जाने वालों से पूरी रकम नहीं ली गई थी। आपको बता दें, बिहार से हज यात्रा के लिए 5,000 लोगों ने आवेदन भरा था। सितंबर से बिहार के सभी कॉलेज में पढ़ाई होने की जताई गई संभावना। कोविड-19 के इस माहौल के बीच बिहार के कॉलेजों में पढ़ाई शुरू करने को लेकर राज्यपाल फागू चौहान ने बड़ा ऐलान जारी किया है, जिसके तहत राजभवन में हाल ही में हाई लेवल मीटिंग के बाद उन्होंने अपना फैसला सुनाते हुए सितंबर महीने से राज्य के सभी कॉलेज में पढ़ाई को रेगुलर किए जाने का आदेश जारी किया है। इतना ही नहीं, अगस्त महीने तक ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया पूरी कर लेने का निर्देश भी जारी किया है, जिसके लिए राज्यपाल फागू चौहान ने सभी यूनिवर्सिटीज को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। नीतीश के सवालों पर तेजस्वी यादव ने दिया जवाब। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा तेजस्वी यादव के गायब होने को लेकर किए गए टिप्पणी के बाद तेजस्वी यादव ने अब अपना जवाब दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि हम कहां गायब होंगे, हमने ही विधानसभा को बंद करने में सहयोग किया था। बंद में बहुत लोग फंस गए थे, हम भी फंस गए थे। 85 दिन हो गए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाहर नहीं निकल रहे। हम बार बार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी आप बाहर निकल कर देखिए, बिहार में रहकर भी मुख्यमंत्री गायब है। अब तो माहौल सामान्य है, सब बाहर निकल रहे, तो फिर मुख्यमंत्री जी घर में क्यों बंद है। बिहार के नवनिर्मित इंटर स्टेट बस टर्मिनल से जुलाई से होगा परिचालन शुरू। बिहार का पहला अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बस अड्डा का 3 ब्लॉक बनकर तैयार हो गया है। सब कुछ सही रहा तो अधिकारियों ने जुलाई महीने से बसों के परिचालन का अनुमान लगाया है। आपको बता दें, सरकार ने नवंबर दिसंबर में ही निर्माण कार्य पूरा किए जाने की योजना बनाई है, लेकिन कुछ परेशानियों के कारण इसके बनने में थोड़ी देरी हुई है। लेकिन बंद के कारण काम बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया था, मगर अब योजना को बढ़ाकर जुलाई तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। कांग्रेस ने भी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति की तैयार। बिहार विधानसभा चुनाव इस साल होने वाला है, इसी को लेकर हर पार्टी मैदान में उतर चुकी है। बीते दिन भाजपा ने वर्चुअल रैली करके चुनावी शंखनाद फूंक दिया था, उसके बाद जदयू भी लगातार अपने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करने में जुट गई है। इन्हीं सब से सीख लेते हुए कांग्रेस ने भी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी रणनीति बनाई है, जिसके तहत बिहार प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी मैराथन बैठक करने में जुट गए हैं, जिसकी जानकारी बिहार कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा ने दी है, जिसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस जल्द ही ऑनलाइन सदस्यता अभियान की शुरुआत करने वाली है, जिससे कि लोग कांग्रेस के सदस्य बनना चाहते हैं और अब घर बैठे बैठे सदस्य बन सकते हैं। बिहार पुलिस मुख्यालय ने 311 पुलिसकर्मियों का किया तबादला। बिहार में बीते दिन पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार 311 पुलिसकर्मियों का तबादला कर दिया गया है, जिसमें पदाधिकारियों से लेकर के अन्य अधिकारी मौजूद है, जिसकी जानकारी बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से सभी अधिकारियों को भेज दी गई है। लालू के जन्मदिन पर 72,000 से ज्यादा गरीबों को खिलाया जाएगा खाना। आज लालू यादव के 73वें जन्मदिन के शुभ अवसर पर इस बार केक कटिंग या किसी बड़े समारोह का आयोजन नहीं किया गया है, बल्कि राजद ने इस बार लालू यादव के जन्मदिन के मौके पर गरीब सम्मान दिवस मनाने का ऐलान जारी किया है, जिसके तहत 72,000 से अधिक गरीब जनता के बीच खाना बांटने का काम करेगी, जिसकी जानकारी तेजस्वी यादव ने दी है। कोविड-19 से सुरक्षा और बंद में फंसे लोगों की सरकार कर रही है मदद। उक्त ऐलान सूचना एवं जनसंपर्क सचिव अनुपम कुमार ने किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि कोविड-19 के इस माहौल में सुरक्षा या बंद में फंसे जो भी लोग हैं उनकी हर जरूरत को ध्यान में रखते हुए सरकार उनकी मदद कर रही है। लोगों को राहत देने के लिए अब तक सरकार की तरफ से 8,538 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया जा चुका है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर कोविड-19 के रोकथाम के लिए और प्रवासियों की मदद के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके तहत रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ओबीसी की पार्टी ने बिहार की 32 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों को उतारने का किया ऐलान। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए 32 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारने का ऐलान जारी किया है। वहीं ओवैसी ने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करने से पहले यह भी साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी को समान विचारधारा वाली पार्टी से गठबंधन करने में कोई परेशानी नहीं होगी, जिसके परिणाम स्वरूप अब ओवैसी की पार्टी बलरामपुर बरारी ओमार बैसी जोकीहाट समस्तीपुर महोबा बेतिया रामनगर ढाका परिहार औरंगाबाद जैसी सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतार सकती है।
जदयू अपने बूथ स्तर के पदाधिकारियों के साथ डिजिटल संवाद करने की कर रही है तैयारी। कोविड 19 के इस माहौल में बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से देखने को मिल रही है। सभी राजनीतिक पार्टियां डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों के साथ जुड़ रही है। इसी बीच जदयू बीते 4 दिन से पदाधिकारियों से संवाद कर रहा है और अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर रहा है। इसी कड़ी में अब जदयू ने बूथ स्तर पर अपने पदाधिकारियों के साथ संवाद करने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके लिए जदयू ने अपने सभी अधिकारियों को व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का आदेश जारी किया है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने अर्थव्यवस्था पटरी पर आने की कही बात। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने सभी बिहारवासियों को बीते दिन राहत भरी खबर सुनाई है, जिसके तहत उन्होंने अपने ट्विटर पर प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा है कि 2 महीने में ज्यादा से बंद के बाद अब अर्थव्यवस्था की गाड़ी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी है। अप्रैल महीने में जहां रोजाना औसतन 136.69 करोड़ का माल बाहर से बिहार में बिकने के लिए आया था, तो वहीं मुंबई में 2 गुने से ज्यादा रकम, तो जून में 9 दिनों में 427.9 करोड़ का माल बाहर से बिहार में बिकने के लिए आया है, जिसके बाद संग्रह में अप्रैल की तुलना में 3 गुना से ज्यादा इजाफा देखने को मिला है। हालांकि पिछले साल के अप्रैल की तुलना में इस साल अप्रैल में कर संग्रह में 81.61% की कमी थी, मगर मई में काफी सुधार देखने की बात कही गई है। राजद नेता जगदानंद सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बहस करने की दी चुनौती। राजद नेता जगदानंद सिंह ने बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खुले तौर पर चुनौती दी थी, जिसके तहत उन्होंने 15 साल बना 15 साल का लेखा जोखा बताने की बात कही है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 साल बना 15 साल की जो मुहिम शुरू की है, मगर अब इस मुहिम को खत्म हम करेंगे। हिम्मत हो तो आइए मीडिया के सामने बहस करते हैं। जगदानंद सिंह ने 1977 में बेलछी में हुए वाकया गोपालगंज मामले को भी जोर शोर से उठाया है। केन विलियमसन ने की महेंद्र सिंह धोनी की तारीफ। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने बीते दिन भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की तारीफ, जिसके तहत उन्होंने क्रिकेट कनेक्टेड कार्यक्रम में कहा है कि आप एक सीरीज समाप्त कर सकते हैं और फिर जल्द ही बात कर इसका राज जान लेते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि धोनी इसे बेहद सहजता से लेते हैं और खेल की ही तारीफ करते हैं। ऐसा लगता है कि वह याद रखते हैं कि क्या जरूरी है, चीजों से दूर रहते हैं जो उन्हें परेशान करने वाली हो सकती है। वह इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है। महेंद्र सिंह धोनी एक खास और विशेष इंसान है। कुसुम योजना के तहत 20 लाख किसानों को दिया जाएगा सोलर पंप। कुसुम स्कीम के तहत खेतों में सोलर से बिजली उत्पादन के लिए 20 लाख किसानों को सोलर पंप मुहैया करवाया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी बजट में इसका ऐलान किया था कि सरकार इस योजना को जारी रखने वाली है, ताकि किसानों को खेतों में सिंचाई के लिए सोलर पंप आसानी से मिल सके। सरकार के इस कदम से किसानों को बिजली उत्पादन से बिजली की कमी तो दूर होगी ही, साथ ही उस बिजली को बेचकर किसान अतिरिक्त आमदनी भी कमा सकेंगे। कुसुम योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट पर mnre.gov.in पर जा सकते हैं। स्कूल खोलने को लेकर किया गया जरूरी गाइडलाइन जारी। कोविड 19 के बढ़ते माहौल के बीच स्कूल खोलने को लेकर जरूरी गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। एनसीईआरटी के अनुसार अब स्कूल खोलने के लिए 6 स्टेप अनिवार्य होगा, जिसके तहत पहले चरण में 11वीं और 12वीं की कक्षाएं शुरू होंगी 1 सप्ताह के बाद। दूसरे चरण में 9वीं और 10वीं की कक्षा शुरू होगी 2 हफ्ते बाद, 6ठी और 8वीं तक की, वहीं 3 हफ्ते बाद 3री से 5वीं तक की, 4 हफ्ते बाद 1ली से 2री तक की कक्षाएं, वहीं 5 हफ्ते के बाद अभिभावकों की सहमति से नर्सरी केजी की कक्षाएं शुरू की जाएगी। इतना ही नहीं, स्कूल में छात्रों को ऑड इवन के आधार पर बुलाया जाएगा, वहीं कक्षा में बैठने की दूरी 6 फीट तय की गई है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है राजेश कुमार, सुमन देवी, अजीत कुमार, पवन कुमार, रोहित मल्होत्रा, राहुल कुमार, भक्ति टाइम, रामचंद्र पंडित, सुबोध कुमार, राजकुमार सिंह, आशीष कुमार, मोहम्मद सज्जाद, सुमित कुमार, राजू शर्मा, सनी यशराज। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कोविड 19 के इस माहौल में आपने अपने अंदर कौन सी एक सकारात्मक बदलाव देखी है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकन दबाना ना भूले, और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।